पूरे पाकिस्तान में जो हमने अग्री किया है मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलना चाह रहे थे, हमने उसमें मना किया कि जी हमारा नहीं ख्याल है, खुलनी चाहिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलना चाह रहे थे, हमने कहा कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, दो हफ्ते और हम इसके बगैर गुजारा कर सकते हैं। कोरोना पर मरकजी और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने। वजीर आला सिंध ने लॉकडाउन पर विफाक की सिफारिशात मुस्तरद कर दी, कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, प्लम्बर, हेयर ड्रेसर और दर्जी पर भी पाबंदी रहेगी, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की इजाजत ही नहीं दे सकते। शहरी लॉकडाउन के दौरान ताबुन करें, कोरोना से मिलकर लड़ना होगा। हाथ जोड़कर कहता हूँ ये सियासत का वक्त नहीं, तनकीद न करें साथ में। मैंने पहले भी कहा था ये वक्त इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीजें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ कर दो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो, इन डेथ से उनका भी जरा अंदाजा लगाया जाए ताकि हम किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं, थोड़ी तादाद उनकी ज्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। एक बार किसी की जान चली जाती है तो उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता। देश के अस्पतालों ने किए एक्सरे वगैरह लिया है, जो लंग्स की एक्सरे में पता ये चला है कि ये शायद कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। कोरोना से असर हालात तेज ज्यादा है, वजीर आला सिंध ने परेशान जाहिर कर दिए, कहते हैं अस्पतालों में कोरोना के मुद्दा हालत में भी लोग लाए जा रहे हैं, कोरोना के कई केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, मरने वालों के फेफड़ों की जांच से अंदाजा लगाया तो कोरोना हो सकता है, हिफाजती इकदाम पर तवज्जो है, डॉक्टर्स और सेफ्टी अपनी का ख्याल रखेंगे। वजीर आला सिंध का एसडीएम पाकिस्तान और जमात के साथ के वफूद से मुलाकातें, कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत।